कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सूरत की अदालत का फैसला आए और लोकसभा से उनकी सदस्यता गए करीब करीब एक हफ्ता बीतने को है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई लीगल एक्शन आगे नहीं बढ़ा है। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद राहुल गांधी दोषी साबित हुए, उनको सजा हुई, लोकसभा से उनकी सदस्यता गई। इसके बाद कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट पे तो आक्रामक दिख रही है। उन्होंने संकल्प सत्याग्रह करा, देश में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है, कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे हैं, लेकिन लीगल फ्रंट पर कांग्रेस की गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। जितना बड़ा यह मसला है, हफ्ते भर में कांग्रेस की तरफ से उनकी लीगल टीम की तरफ से कई एक्शन हो जाने चाहिए थे। सबसे पहला एक्शन था इसमें अपर कोर्ट में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करना, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस किसी प्लान बी पर काम कर रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने जेल जाने की तैयारी कर रही है वो? क्या ऐसा तो नहीं कि वो जेल जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ और बड़ा मोर्चा खोलना चाह रहे हों, एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराना चाह रहे हों और इसी बहाने कांग्रेस पूरे चुनाव को एक सिंपैथी वाला एंगल देना चाह रही हो और ये जताना चाह रहे हों कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की लीगल टीम की तरफ से, कांग्रेस की लीगल टीम की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी एक्शन आगे नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों है? इसके तमाम सारे जवाब सामने आए हैं। सबसे पहला जो जवाब आया था वो ये था कि सूरत की अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला दिया, जिसमें उनको दोषी साबित किया गया, वो फैसला करीब 150 पेज का है और गुजराती भाषा में है। किसी भी ऊंची अदालत में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए इसकी इंग्लिश में कॉपी राहुल गांधी की लीगल टीम के पास होनी चाहिए। इसलिए तमाम वकील लगे थे कि 150 पेज के इस जजमेंट को, जो कि गुजराती में है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, तब जाकर कहीं अपर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकेगी। इसमें समय लगता है क्योंकि लीगल कॉपी है, गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए इसमें समय लगा। दूसरी तरफ यह भी बात आई कि कांग्रेस चाहती है कि बेस्ट एंड बेस्ट वकील इस मामले में राहुल गांधी की पैरवी करें, जिनमें कपिल सिब्बल का भी नाम हो सकता है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों का भी नाम आया और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाने की तैयारी है और इसीलिए अपील करने में समय लग रहा है। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस देरी ने तमाम कयासों को, तमाम सवालों को भी जन्म दे दिया है। इस पूरे मामले के बारे में भी बता देते हैं। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर विवाद हो गया था। गुजरात के एक विधायक हैं पुरेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस सूरत की अदालत में दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के बयान से मोदी की जो पूरी कम्युनिटी है, मोदी कम्युनिटी, उनका अपमान हुआ है। ये केस 4 साल तक चला और बीते दिनों इस केस में फैसला आया। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया, उन्हें 2 साल की सजा दी गई। सजा 30 दिन के लिए निलंबित हुई, राहुल गांधी को बेल भी हाथों हाथ मिल गई, लेकिन इसका जो परिणाम पड़ा वो पड़ा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ये कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ, उन्हें 2 साल की सजा हुई थी और लोकसभा से उनकी सदस्यता अगले दिन ही चली गई। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीते थे और यहीं से वो संसद के सदस्य बने थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता जा चुकी है। इसके बाद कांग्रेस लगातार आक्रामक है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।